परम सम्मान जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद विच सभायमान गुरु रूप साध संगत बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां जान दे दित्ती के रंगां विच बसे दुनिया इन्हां दे खून दी गर्मी जंजीरां ढा जांदी है। इस दी कलम लैके इतिहास लिखते ने इन्हां दी चर्बी तूफाना विच दीवे बाल देंदी है। महान शहीद भाई कुलबंत सिंह जी खुखराणा साहब जी दे होनहार सुपुत्र भाई अवतार सिंह जी खंडा नूं अपनी श्रद्धा सत्कार ते अकीदत भेट करन आई गुरु रूप साध संगत जी। सतगुरु साहब की बाणी विच फरमान है जिन्हां दसंदड़िया दुरमत बंझा मित्र असाडड़े सही। जिस शख्सियत के दर्शन करके जिदी संगत करके जिदे बोल साधन करके भटकया होया मनुख किते ना किते गुरमन दे लड़ लग जावे सतगुरु कहिंदे ने सही अर्थां विच साडा उमर है। इहो जिही गुरमन दे रंग विच रंगी हुई गुरु प्यारी शख्सियत सी भाई अवतार सिंह जी खंडा जिहड़े सानू सारा नू सदीवी विछोड़ा दे गए ने। मैं जदों ये खबर पढ़ी खबर पढ़न तो बाद मैं लगातार भारत के प्रधानमंत्री नू भारत के गृह मंत्री नू भारत के विदेश मंत्री दे नाल नाल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ते इंग्लैंड के दिल्ली स्थित राजदूत नू दो दो चिट्ठियां लिख चुकिया कि कम से कम उन्हां दी पूजनीक माता बीबी कुलवंत कौर बीबी चरणजीत कौर जी नू ते उन्हां दी भैण नू इंग्लैंड जाण दा वीजा देण दी कृपालता करो। मैं मनोरिटी कमीशन दे चेयरमैन नू भी जतन किया। मैं उन्हों ये भी कहा कि जे कुछ होर नहीं हो सकता तो जिहड़ा मनुख इस शरीर दे विचों सवासां दी पूंजी जिहदी मुक चुकी है गुरमत अनुसार असी सवासां दी पूंजी तो बाद इस शरीर नू केवल मिट्टी समझदे हां। जे उहदी मिट्टी अपनी जन्म भूमि दे विच आ के रल जाएगी तां मां नू ते भैण नू इस गल दी तसल्ली हो जाएगी कि असी अपने पुत्र नू अपने हाथी दुनिया विचों तोड़ चुके हां। कम से कम जे कुछ होर नहीं हो सकता उन्हां दा मृतक शरीर जिहड़ा है उहनू ही हिंदुस्तान दे विच लै के आउण दी आग्या दे दित्ती जावे। लेकिन मेरियां चिट्ठियां दे बावजूद भी मेरे सारे यतनां दे बावजूद कुछ ना हो सकिया। मैं एक दिन इत्थे टीचे तौर पर माता जी नू मिलण आया। मैं यतन किया अपने तौर पर जे किसी तरीके नाल इंग्लैंड का वीजा मैनू मिल जाए चलो मैं ही माता जी वालों श्रद्धा सत्कार के फुल भेट करके आ सका। लेकिन बड़े अफसोस की गल है कि मैनू वीजा तो मिलया पर मिलया कल जो सारा कुछ बीत गया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के होर पर जाना चाहना पर मैं एक गल अज इतने बैठे गुरु खालसा पंथ नूं इक गुजारिश करनी चाहना कि किन्ने गभरू पुत्तर जिहड़े ने आपां मरवाउणे ने होर आपां नूं फैसला कर लेना चाहिए कि किन्ने क मरवाउणे ने जां कट्ठे सिर कट्ठे हो के सिर जोड़ के एक प्लेटफार्म ते किसे एक नूं आगू मन के उहदी गवाही दे विच जे पंथक विचारधारा उहदी सुर वाले लोग अज नहीं कट्ठे हो सकते जदों इन्ना संकट का समा है तो फिर होर कदों हो सकते ने। आने वाली बारी किहदी कल नूं होएगी इहदा सानूं किसे नूं भी चेता नहीं। पहला रुपरमन सिंह मलक मार दिता गया फिर निजर साहब मार दिते गए खंडा साहब मार दिते गए होर किन्ने सिंह ने जिहड़े सरकार दीआं एजेंसियां ने बहुत ही सूखम तरीके दे नाल एक एक करके जिन्हां नूं लगातार शहीद कर रही है। मेरी गुजारिश है अज भाई अवतार सिंह जी खंडा नूं श्रद्धा सत्कार ते अकीदत दे फुल भेट कर लई आए हो
मेरी गुजारिश है इदा का परिवार है, ये परिवार रुलना भी नहीं चाहिए। यह भी मेरी हाथ जोड़ के माता साहब बेनती है, बहुत परिवार रुले हुए ने। मैनू याद है सब तो पहला पुलिस मुकाबला दहड़ू पिंड च होया सी, ते दहड़ू पिंड दे विच भाई अमरजीत सिंह वो जो शहीद हो गए उन्हां दी धर्मपत्नी दरबार साहब चली गई, ते दरबार साहब च आप भी शहीद हो गई, दो पुत्र शहीद हो गए, एक पुत्र लुधियाने एक फैक्ट्री च लेबर का काम करता है। मैनू पिछे जो उन्हें अप्रोच की भी मेरा लक बहुत दर्द करता, मेरी थोड़ी बहुती मदद करो, मैं उन्होंने श्रोमणी कमेटी तो 1,00,000 रुपए की सहायता दे के मदद भी की। ये शहीदों के परिवार जेड़े कौम की चढ़ती कला ली, कौम की अदरी आजाद से न्यारी हस्ती ली, खालसा पंथ की आजादी ली, जिन्होंने अपने जीवन की ओटी दिती है, वह परिवार रुलने नहीं चाहिए। वह कौम के परिवार ने, तो साड़ी सारा की जिम्मेवारी है कि असी अपना जिन्ना जिन्ना को फर्ज बनता उन्होंने निभाने का यतन करिए। इन शब्दों नाल मैं फिर बीबी चरणजीत कौर जी नू और उन्हां दी बेटी नू यह भरोसा दे के आग्या चाहना कि जिन्नी भी समर्था मेरे विच है मैं लगाहे बगाहे उन्हां दी मदद करन दा यतन करदा रहांगा। ते भाई अवतार सिंह जी खंडा प्रति मेरी यही गुजारिश है कि जिस दुखा लदे समाज का गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी ने सुपना लिया सी उन्हूं रूपमान करन दे लई भाई खंडा ने अपना लहू उहदे विच पा के अपने फर्जां दी अदायगी कीती है, ते अगले फर्ज साडे ने, साडे मोढ़िआं ते अगली जिम्मेवारी उह धर गिआ, असीं निभाउणे ने। पंथ केड़ता होणी दी है, पंथ नूं सिर जोड़ के उठना चाहीदा है, सरकार दीआं सासां समझणीआं चाहीदीआं ने, उन्हां दा मूंह तोड़ना जवाब देने का यतन करना चाहिए।